बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लौकी चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल है ये डिश और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और टेस्टी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते इसे बनाना। सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, तेल गरम हो गया है और अब हम इसमें चिकन के पीसेस फ्राई करेंगे। 1.5 केजी मैंने चिकन लिया है जिसे अच्छी तरह से धो के मैंने रख दिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए चिकन के पीस हमने फ्राई कर लिए हैं और इन्हें अब हम साइड में रखेंगे और सारा चिकन ऐसे ही फ्राई करके रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैं 3 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। ये वही ऑयल है जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था। तेल जो है गरम हो गया है और अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 छोटी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च के दाने, 2 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 1 टेबलस्पून गार्लिक कूटा हुआ। और अब हम इस मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे। मसाला हमने भून लिया है और अब मैं इसमें 1 केजी लौकी शामिल करूंगी जिसे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट किया था, धो के रख दी थी। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। जो ही हम लौकी शामिल करेंगे इसी के साथ नमक, नमक से ये पानी रिलीज़ करेगी और सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छी तरह से सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे ढक के इसे अब हम पकाएंगे जब तक लौकी पानी रिलीज़ ना करे। देखिए 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए मीडियम फ्लेम पे और अब हम चेक करेंगे, पानी जो है रिलीज़ हो गया है, ये देखिए। और अब हम इसे थोड़ा और पकाएंगे जब तक ये पानी ड्राई ना हो जाए और लौकी जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। ढक के इसे हम और पकाएंगे। देखिए तकरीबन हमने 10 मिनट इसे और पकाया है, पानी जो है ड्राई हो गया है और लौकी जो है सॉफ्ट हो गई है। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टमाटर मैंने लिए थे जिन्हें मैंने ग्राइंड किया था वो शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है और अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके रख दिया था। और अब हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक और शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमक कम मुझे लग रहा था। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। चिकन और लौकी को हम इकट्ठे इतना भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और अब इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और बिल्कुल हाई फ्लेम पे उबलने के लिए रहने देंगे। ये उबल रहा है और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम हीट पे रखेंगे और इसे ढक के हम 10 मिनट तक पकाएंगे जब तक ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी जो है गाढ़ी हो गई है और अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसे ढक के हम 5 मिनट तक और रखेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले इसे हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे धनिया से। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये हम सर्व कर सकते हैं चपाती राइस के साथ, बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कश्मीरी जायका।